बीते शुक्रवार 22 अक्टूबर को डाबड़ी इलाके में बाइक खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में एक युवक को गोली मारकर फरार वांटेड बदमाश को मंगलवार सुबह द्वारका जिले की स्पेशल स्टाफ ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। वांटेड आरोपी की पहचान न्यू जनकपुरी निवासी 24 वर्षीय सुहेल खान के रूप में हुई है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक पिस्टल, 3 कारतूस और एक स्कूटी बरामद की है। जिला पुलिस उपायुक्त शंकर चौधरी ने बताया कि 15 अक्टूबर को थाना डाबरी में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बाइक पार्किंग को लेकर आपसी कहासुनी में सुहेल खान और राजा नामक दो लड़के अन्य दो युवकों को मार मार कर गंभीर रूप से घायल कर और मौके से फरार हो गए। हमले में घायल 30 वर्षीय अफरोज आलम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसका इलाज चल रहा है। मृतक अफरोज आलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके सिर में गोली मारी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद थाना डाबरी में 16 अक्टूबर को FIR संख्या 881/2021 के तहत मामला दर्ज कर फरार बदमाशों को खोजना शुरू कर दिया। वांटेड बदमाशों को दबोचने के लिए ACP विजय सिंह की सुपरविजन में व स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर नवीन कुमार के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया। बदमाशों को दबोचने के लिए दिल्ली NCR व उत्तर प्रदेश में सभी सस्पेक्ट स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। दोनों बदमाश गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे। जांच टीमों ने मुखबिरों का जाल बिछाया। टेक्निकल सर्विलांस से वांटेड बदमाशों की एक्टिविटी पर नजर रखी जाने लगी। आखिरकार पुलिस टीम की मेहनत रंग लाए। जांच टीम को मुखबिरों से टिप मिली कि वांटेड बदमाश सुहेल खान 26 अक्टूबर को प्रातः 5 बजे इलाके में किसी से मिलने आ रहा है। पुलिस ने छठ पूजा पार्क दादा देव अस्पताल के पास अपना जाल बिछाया। पुलिस ने घेराबंदी कर स्कूटी से आए वांटेड बदमाश सुहेल खान को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सुहेल खान ने पुलिस टीम पर गोली चलाकर वहां से भागने की कोशिश की। पुलिस टीम की ओर से चलाई एक गोली उसके पैर में लगी और बदमाश वहीं गिर गया, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। साहिल पर पहले से 6 मामले दर्ज हैं। पुलिस बदमाश से पूछताछ कर फरार राजा की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। जिला पुलिस ऑपरेशन वर्चस्व के तहत, जैसा कि आदरणीय कमिश्नर साहब का विजन है, उसको एक्शन में तब्दील कर रही है। ये प्राथमिक सफलताएं हैं। इसी दिशा में द्वारका जिला पुलिस की जो दो टीम है, नारकोटिक्स टीम और स्पेशल स्टाफ की टीम, बहुत अच्छा काम किया है। कुछ दिन पहले 15 तारीख को एक युवक की मौत हो गई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका नाम अफरोज आलम था। मैं इसके परिवार से मिलकर आया था और मैंने इनको आश्वासन दिया था कि हम इसको जल्द ही पकड़ेंगे। अफरोज का मैं डिटेल बता दूं, ये 30 साल का नवयुवक था। इसके पिताजी का नाम इद्रिस है और इसी के घर के आगे दो लड़के आते हैं एक स्कूटी पे और कुछ बहस होती है और फिर इसे गोली मार दी जाती है। ये सूचना मिलते ही हम लोग सब कोई मौके पर पहुंचे और उसी दिन के बाद हमने एक कोऑर्डिनेटेड टीम की एफर्ट बनाई, स्ट्रैटेजी बनाई और इसके जो लोग थे वो आइडेंटिफाइड थे मगर वो भाग चुके थे। और जो हमें ज्ञात हुआ कि उसमें से एक लड़का सुहेल, जिसने गोली मारी थी, उसका नाम, उसका डिटेल है सुहेल सन ऑफ महबूब खान, रेजिडेंस ऑफ D172 जनकपुरी जानकीपुरी और इसकी उम्र 24 साल है। ये इस पर पहले से ही 8 मुकदमे हैं। आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं, एक्साइज के मुकदमे हैं, गैमलिंग एक्ट के मुकदमे हैं और फायरिंग के भी मुकदमे हैं। तो हमें ये मालूम था कि ये कुख्यात अपराधी है और इस चीज को संज्ञान में लेते हुए हमारी टीम लगातार इस पर काम कर रही थी। अलग अलग जगह रेड्स की गई, UP, दिल्ली NCR के जो रीजन्स हैं और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली। मैं सूचना मिली थी कि ये सिलमपुर में बार बार आ रहा है, जा रहा है और भागने में हमेशा कामयाब रह रहा है। हमें ये भी पता चला कि ये सारे जो सटोरी होते हैं गैंगलर्स, उनसे ये उगाही भी करता था। तो हमें ये मालूम था और इसलिए हम प्रिपेयर्ड थे कि जिस दिन इसको अप्रिहेंड करेंगे हो सकता है कि हम पर हमला करेगा। अब कुछ दिनों बीत जाने के बाद ये कल हमें सूचना मिली
ये फिर से कुछ लोगों से उगाही करने के लिए वहीं जहां पे इसने युवक की हत्या की थी गोली मारकर, उसी इलाके में आ रहा है तड़के सुबह फिर से उगाही करने के लिए। हमारी टीम एसीपी विजय सिंह, इंस्पेक्टर नवीन, सुभाष यादव, इन लोगों ने ट्रैप बिछाकर हमने इसको अप्रिहेंड किया। सुबह तड़के 5 बजे छठ पूजा पार्क नियर दादा देव हॉस्पिटल, और जैसे ही इसको अप्रिहेंड किया, संभावना पूरी थी, ये हमें ये अपने तफ्तीश के दौरान जब इसको चेज कर रहे थे, हमें ये भी पता चला था कि इसने कह रखा था, इसमें दो लोग थे, सुहेल और राजा उर्फ बिलाल। तो सुहेल का हमें वर्जन आ रहा था अपने गुप्त सूत्रों से कि मैं तो सरेंडर नहीं करूंगा और मुझे अपना वर्चस्व बनाना है गैम्बलिंग के वर्ल्ड में। ये पक्के सूत्र से हमें खबर थी। हमने जब ट्रैप लगाया, नेचुरली ये हमसे भागने की कोशिश करने लगा और इसने अपने साइड से फायरिंग की। आत्मरक्षा में फिर से द्वारका पुलिस ने गोली चलाई जो कि इसके लेफ्ट नी पर लगी और फिर हम इसको ओवरपावर करने में। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।